आहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। बीजेपी ने मनाया 43वां स्थापना दिवस। मोदी ने कहा, जब हमारा मजाक उड़ाकर सफल नहीं हुए तो बादशाही वाले लोगों की नफरत और बढ़ गई। पीएम मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को मिली जान से मारने की धमकी। नोएडा में एक निजी चैनल को मिला मेल, एफआईआर दर्ज। पीएम से बोले पद्मश्री कादरी, मुझे गलत साबित कर दिया। कहा, भाजपा की सरकार बनी तो लगा अब मुझे इस सम्मान लायक ना समझा जाए। नीतीश कुमार पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने कहा, एक आदमी जिसने बीजेपी का दामन गुजरात 2002 के बावजूद भी नहीं छोड़ा। मुस्लिम धर्म गुरुओं से मिले अमित शाह। लीचिंग हेट स्पीच के मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया। धर्म गुरु बोले, ये शाह बिल्कुल अलग थे। पेपर लीक केस में तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष गिरफ्तार। बंदी संजय कुमार को आधी रात घर से उठाया गया। समर्थकों और पुलिस के बीच बहस हुई। कांग्रेस की पीएम को सलाह, सिंधिया से सतर्क रहे। कहा, जो हमारा ना हुआ वो आपका क्या होगा। ज्योतिरादित्य ने कांग्रेस विचारधारा को देशद्रोही कहा था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की शांति की अपील। धर्म व्यक्तिगत पसंद और त्योहार है। गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान। बोले, राहुल गांधी की संसद सदस्यता को आयोग घोषित करना गलत है। सीएम एकनाथ शिंदे पर भड़के आदित्य ठाकरे। बोले, ये हिंदुत्व का नहीं रावण के शासन का राज्य है। विपक्षी दलों को ओवैसी की नसीहत का सुप्रीम कोर्ट जाना नासमझी भरा फैसला था। आपने भाजपा को मौका दिया है। कर्नाटक में भाजपा की बड़ी मुश्किलें। लगभग आधे दर्जन मंत्रियों ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। छत्तीसगढ़ के बस्तर रैली से चुनावी अभियान को धार देंगे प्रियंका। महिला वोटर्स को बड़ा संदेश देकर भूपेश सरकार बनाएंगी। रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद सरकार अलर्ट। हनुमान जयंती को लेकर बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 3 कंपनियां तैनात। राहुल गांधी ने एक बार फिर गौतम अडानी की संपत्ति को लेकर सरकार को घेरा। अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ किसके हैं। यूपी में अब तेजी से विकसित होंगी नई टाउनशिप। सस्ते होंगे भवन, भूखंड वित्तीय मदद करेगी सरकार। निकाय चुनाव में जीत के लिए जातियों के चक्रव्यूह को भेदेगी बीजेपी। ट्रिपल इंजन सरकार पर फोकस। यूपी निकाय चुनाव से पहले सीएम योगी का तोहफा। 8,754 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। अमित शाह से मिला मुस्लिम धर्म गुरुओं का डेलीगेशन। धर्म गुरु बोले, मदरसों में हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए।
योगी सरकार ने पास किए 13 प्रस्ताव, बुनकर सब्सिडी योजना को मंजूरी, ऑटोमेटिक पावर लूम उपकरण खरीद में मिलेगी सब्सिडी। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक और शिकायत, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप, कहा था मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। भाजपाई घर घर जाकर लगाएंगे पार्टी का झंडा, प्रयागराज में पार्टी के स्थापना दिवस से शुरू होगा अभियान। गाजियाबाद में 11 दिन बाद हुई लाश की शिनाख्त, गम से गला घोटकर हत्या, इतने दिन चुप्पी साधे परिजन शक के घेरे में। राजूपाल हत्याकांड के आरोपी अब्दुल कवि का सरेंडर, माफिया अतीक अहमद का है करीबी, 18 साल से फरार चल रहा था। बहराइच में बढ़ई में जा घुसा तेंदुआ, 5 लोगों पर किया हमला, WWSTPF की टीम मौजूद, 3 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुरादाबाद से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर मेक्सिको भागा था बॉक्सर, बिल्डर की हत्या कर 5 साल से फरार था गैंगस्टर, अब हुआ गिरफ्तार। आगरा में तांत्रिक ने ठगे, 4.5 लाख रुपए वापस मांगने पर बोला माफिया अतीक का रिश्तेदार हूं कटवा दूंगा। झांसी में कच्चे घर में लगी आग, जिंदा जली 6 माह की बच्ची, 1 किलोमीटर दूर खेत में फसल काटने गए थे माता पिता, बचाने में भी पिता झुलसा। महिला ने शहदे को चप्पल से पीटा, बेटी का 15 दिनों से शोधा कर रहा था पीछा, थानेदार बोले तहरीर मिलने पर कार्रवाई होगी। बीआरडीडी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों पर भाइयों को पीटने का आरोप, इलाज के लिए देरी से आने पर सवाल किया तो भड़के। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को बम से उड़ाने की धमकी, लिखा हम तुम्हें बर्बाद करने वृंदा बनाए हैं। गाजियाबाद में पार्षद को कस्टडी में लेने पर हंगामा हुआ, हॉस्पिटल में मरीज की मौत पर हंगामा और डॉक्टर की पिटाई के बाद पार्षद को पकड़ा। बिजनौर में तांत्रिक ने की महिला से छेड़खानी, विरोध कर कमरे से भागी तो पति ससुर ने सुलगते उपले से जलाया। उन्नाव में 8 साल बाद दोबारा स्थापित होगी बाबा साहेब की प्रतिमा, सड़क चौड़ीकरण के कारण हटवा दी गई थी। बदनामी के डर से की थी महिला की हत्या, पहले गला घोटा फिर मथुरा के कुंड में फेंका शव, भाई बहन और मां गिरफ्तार। बदायूं में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत, सड़क पार करते समय टैंकर ने मारी टक्कर, गाड़ी छोड़कर चालक हुआ फरार। अमरोहा में हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा, कलाकारों ने किया शिव तांडव, राधा कृष्ण की झांकी रही आकर्षण का केंद्र। बिजनौर में पैसों के लेन देन में युवक की हत्या, शव को दुकान में छिपाए परिजनों व ग्रामीणों ने जाम किया हाईवे। उन्नाव में ठेकेदार के मकान में लाखों की चोरी, मुंडन संस्कार में शामिल होने गया था परिवार, देर रात चोरों ने की वारदात। सत्रह साल की लड़की के अपहरण में 4 अरेस्ट, बरेली से जुलाई 2022 में किया था अपहरण, मरने पर परिजन बनकर किया था अंतिम संस्कार।
काशी में पवन पुत्र हनुमान के जन्मोत्सव की धूम, बजरंगी बल को चढ़ेगा 75 फीट ऊंचा लाल ध्वज, भगवान के भजनों पर झूमे भक्त। लखीमपुर में अज्ञात कारणों से मकान में लगी आग, गृहस्थी का सामान जलकर राख, 1 लाख से अधिक का हुआ नुकसान। बांदा में वैन और टेम्पो में लगी आग, सिलेंडर से गैस भरते समय हुआ हादसा, पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से पाया काबू। कानपुर में होमगार्ड ने पेश की इंसानियत की मिसाल, डीएम ऑफिस पहुंच बुजुर्ग को सहारा देकर लाए बाहर, बाइक से छोड़ा घर। उन्नाव में चैत्र पूर्णिमा पर गंगा स्नान को उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, पूजन अर्चन कर मांगी समृद्धि की कामना। उत्तराखंड के सीएम धामी ने की आंदोलनकारियों से मुलाकात, कहा मिलकर बनाएंगे सपनों का उत्तराखंड। हनुमान जयंती पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं, कहा प्रभु श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी का आप सभी भक्तों का मंगल करें। भाजपा स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई, बोले भारतीय राजनीति को उदात्त लोकतांत्रिक है। उत्तराखंड में सीएम धामी की घोषणा, लोक भाषाओं के लेखकों को हर साल मिलेगा उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान। स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन का रूप लेगा बद्रीनाथ, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा मास्टर प्लान पर काम शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में दोबारा चार्ज लेते ही एक्शन में आए पीसीसीएफ भर्तरी, पहले दिन के 10 रेंजरों के तबादले। यूके SSSC आयोग ने हाईकोर्ट में दिया शपथ पत्र, कहा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति न देकर नए सिरे से होगी परीक्षा। उत्तराखंड की किताबों से भी हटा मुगलों का इतिहास, गरमाई सियासत, सीएम ने कहा करे आकलन। भूकंप के झटकों से हिले उत्तराखंड के उत्तरकाशी, लोग घरों से बाहर निकले जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.40 मापी गई। हरिद्वार ऋषिकेश की बदलेगी सूरत, सरकार ला रही डेवलपमेंट प्लान, दून में बनेगी कैपिटल सिटी। उत्तराखंड के रुड़की में नमाज में भेदभाव को लेकर मुस्लिम पक्षों में पथराव, गांव में भगदड़, 3 हुए घायल। अमृतपाल के नेपाल और उत्तराखंड जाने की आशंका, खटीमा और सितारगंज में पुलिस ने बढ़ाई सतर्कता। उत्तराखंड के खानपुर बॉर्डर पर पुलिस की यूपी की ओर से आ रहे 2 बदमाशों से मुठभेड़, 1 के पैर में लगी गोली। उत्तराखंड में सुनील राठी गैंग का गुर्गा मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार, हरिद्वार के व्यक्ति से मांगी थी 50 लाख की रंगदारी। चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मंत्री, BKT से अध्यक्ष ने की शिकायत, का अधिकारी फोन नहीं उठाते। ट्रंप के साथ नजर नहीं आई फैमिली, न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा तक पत्नी मेलानिया ने साथ नहीं थी, बेटी इवांका और दामाद छुट्टियां मनाते रहे।
किंग चार्ल्स की ताजपोशी का इनविटेशन कार्ड रिलीज, कैमिला अब क्वीन कहलाएंगी, किंग की तस्वीर वाले रॉयल स्टाम्प भी जारी किए गए। इजरायली पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंके, नमाजियों को गिरफ्तार किया, जवाब में हमास ने 9 रॉकेट दागे हैं। कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका कनाडा सीमा पर हुए हादसे की जांच की बात कही, पिछले हफ्ते 8 लोगों की गई थी जान। ईरान ने यूएई में तैनात किया राजदूत, 2016 के बाद पहली बार तेहरान में दूतावास पर हमले के बाद खराब हुए थे रिश्ते। जज पर ही भड़के डोनाल्ड ट्रंप, बोले उनकी बेटी ने कमला हैरिस के लिए काम किया, असली अपराधी तो अटॉर्नी है। तीसरा विश्व युद्ध अब दूर नहीं, वर्ष 2024 के पहले आ सकती है तबाही, डोनाल्ड ट्रंप ने दी है चेतावनी। तालिबानी हुकूमत ने लगाई पाबंदियां, यूएन ने कहा अफगान महिला कर्मचारियों को काम से रोका जा रहा है, ऐसे फरमान मंजूर नहीं। ब्राजील के प्री स्कूल में हमला, 4 बच्चों की मौत, 25 साल का हमलावर कुल्हाड़ी लेकर घुसा, बाद में पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर किया। विपक्ष के निशाने पर आए ब्रिटिश पीएम सुनक, बजट में चाइल्ड केयर स्कीम से पत्नी अक्षता की फर्म को लाभ पहुंचाने का आरोप है। भारत में खुलेगा पहला एप्पल स्टोर, मुकेश अंबानी के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में मिलेंगे आईफोन और एप्पल की सर्विस। दस ग्राम सोना पहली बार 61,000 पार, चांदी भी 74,000 के पार निकली, महंगाई ग्लोबल डिमांड जैसी 5 वजहों से तेजी आई। रिलायंस का पहला ई कॉमर्स ब्यूटी प्लेटफॉर्म टीरा लॉन्च, पहला स्टोर मुंबई में खोला गया, नायका टाटा क्लिक्स जैसे ब्रांड को मिलेगी सीधी टक्कर। मर्सिडीज बेंच को पीछे का टेस्ला बना मोस्ट वैल्यूएबल ऑटो ब्रांड, 5.42 लाख करोड़ कंपनी की वैल्यूएशन, टॉप 100 में भारत की 8 कंपनियां। ग्यारह अप्रैल को वीवो लॉन्च करेगा 5G स्मार्टफोन, 20,000 रुपए से कम हो सकती है इसकी कीमत। महंगी हुई महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन, अब 13 लाख से मिलेगा सबसे सस्ता मॉडल, कंपनी ने BS6 फेज 2 नॉर्म्स के कारण बढ़ाए दाम। हुंडई ने दिखाई नई कार झलक, सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में टाटा पंच को देगी टक्कर, एक्सपेक्टेड प्राइस 6 लाख रुपए। ब्याज दर में बदलाव नहीं, रेपो रेट 6.5% ही रहेगी, RBI गवर्नर बोले, MPC ने इसे अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। डेयरी उत्पादों का आयात कर सकता है भारत, पशुपालन सचिव ने कहा 2022-23 में स्थिर रहा दूध उत्पादन। SEBI ने जोखिम मुक्त रिटर्न का वादा करने वालों पर कसा शिकंजा, कठिन शब्दों के इस्तेमाल पर भी रोक। MCC ने धोनी को दी लाइफ टाइम मेंबरशिप, इस लिस्ट में युवराज, रैना, मिताली और झूलन गोस्वामी भी शामिल। पृथ्वी पर भड़के वीरेंद्र सहवाग, बोले शुभमन गिल गायकवाड़ से सीखो, अपनी गलतियों को सुधारो, खराब शॉट खेलकर आउट हुए शाह।
जेसन रॉय केकेआर से जुड़े श्रेयस अय्यर की जगह टीम में शामिल, फ्रेंचाइजी ने 2.8 करोड़ रुपए में खरीदा। लखनऊ के खिलाफ मैच से पहले हैदराबाद के लिए अच्छी खबर, टीम के साथ जुड़े एडिन मार्कर। एडम मिलने के स्पीड से टूटा श्रीलंकाई बल्लेबाज का बैट, सोशल मीडिया पर यह वीडियो हुआ वायरल। सपना गिल ने पृथ्वी शॉ के खिलाफ दर्ज करवाए केस, आईपीएल के बीच मुश्किल में फंसा दिल्ली कैपिटल्स का खिलाड़ी। आईपीएल में पंजाब की राजस्थान पर 11वीं जीत, 5 रन से जीता रोमांचक मुकाबला। धवन प्रभास सिमरन के अर्धशतक, एलिस ने 4 विकेट लिए। अमेरिका में 2 T20 खेलेगी टीम इंडिया, जुलाई में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट, वनडे और T20 मुकाबले खेलेगा भारत। राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने सैमसन, अजिंक्य रहाणे को छोड़ा पीछे। राजस्थान की हार के बाद देवदत्त पड्डीकल पर भड़के फैंस, सोशल मीडिया पर जमकर किया ट्रोल। रश्मिका के बर्थडे पर आया पुष्पा द रूल का प्रोमो, वीडियो ने बढ़ाया सस्पेंस, अल्लू अर्जुन के बर्थडे से पहले रिलीज होगा कॉन्सेप्ट वीडियो। निक जोनस ने प्रियंका का हाथ थामकर स्टेज से उतारा, केयरिंग नेचर देख फैंस हुए इंप्रेस, बोले परफेक्ट हस्बैंड। स्वस्तिका ने प्रोड्यूसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, बोली मार्डव तस्वीरें लीक करने की धमकी मिली, फिल्म रिलीज की वजह से चुप थी। कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप को मिला धमकी भरा लेटर, लेटर में प्राइवेट वीडियो लीक करने की बात, बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों के बीच मिली धमकी। रवीना टंडन और एमएम किरवानी को मिला पद्मश्री, सिंगर वाणी जयराम को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। योगा क्लास के बाहर नजर आई मलाइका अरोड़ा, ओवरसाइज व्हाइट शर्ट येलो शॉर्ट्स में लगी है खूब बेहद खूबसूरत। प्रीति जिंटा ने किया पिलाटेस वर्कआउट, बोली फ्लाइट में ट्रेवल करने से अकड़ी है कमर, पर जो ऐसा कुछ नहीं, स्ट्रेचिंग से ठीक हो जाता है। मुकेश अंबानी के इवेंट में पान खाते दिखे शाहरुख खान, जर्मनी ब्लॉगर के साथ आए नजर, वीडियो देख फैंस हुए खुश। अमिताभ बच्चन के साथ काम करेंगे मिर्जापुर के कंपाउंडर, सेक्शन 84 में अभिषेक बनर्जी को मिला लीड रोल। आमिर खान करना चाहते हैं धूम 4 से कमबैक, आदित्य चोपड़ा से मिल के सीक्वल की रिक्वेस्ट की है, थ्रिलर एक्शन स्क्रिप्ट की है तलाश। फिलहाल आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।